कहते हैं सितारों की हरकतों से इंसान की जिंदगी बनती बिगड़ती है। यहां ऊपर किसी सितारे ने जिस दिन लेफ्ट टर्न लिया तो नीचे धरती पर सैकड़ों नई जाने सांस लेने लगती हैं। एक बार ऐसे ही इन सितारों की लेफ्ट राइट से 1974 में 1974 में एक ही दिन एक ही वक्त पर दो बच्चे पैदा हुए और भी बहुत से हुए पर ये दोनों सबसे अलग थे। एक ने जन्म लिया मुंबई की एक मामूली सी बस्ती के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में। नहीं, ये नहीं पड़ा। वो मानस है ना नाम नचंद्र के नहीं, पौड़ा वाली है। साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली। पर ना तो ये बच्चा ब्राह्मणों के गुण सीखना चाहता था, ना साउथ इंडियन की सादगी। अरे मालू, भागो! इनका स्टाइल फर्क था। चाचू जा रहे। नाम था इनका बालू। इन्ने तिमड़ा उनके लक्ष्मी। क्या हुआ? क्या हुआ? स्कूल में बच्चे लोगों का साथ पत्ता करता है। पत्ता पत्ता पत्ता। जब देखो तुम इसे डांटते रहते हो। जब देखो। बालू की कभी अपने बापू से बनी नहीं और एक दिन उसने उनकी जिंदगी भर की मेहनत को सफा चट कर दिया। उन्हें किन्ने पन रहे हैं डाफारे? उन्हें इन्ने पन रहे हैं? तुम घर से निकल जाओ। बालू के साथ जन्म लेने वाला हमारा दूसरा किरदार पल रहा था बहुत दूर सात समंदर पार। यह है लंदन का ब्राइटन स्कूल। यहां पढ़ता है राहुल, राहुल मेहता, करोड़पति बिजनेसमैन शंभुनाथ मेहता का नाती, उनका इकलौता वारिस। नाना जी राहुल बेटे। रामू काका कहाँ है नाना जी? बेटे नाना जी तो तीन चार दिन के लिए बाहर गए। ये है रामू काका, इस घर के वफादार मैनेजर, राहुल के दुख को समझने वाले। राहुल को विरासत में बहुत कुछ मिला पर इन सितारों ने बचपन में ही उसके मां बाप छीन लिए। इस अकेलेपन में उसका साथ दिया इस म्यूजिक बॉक्स ने, जिससे जुड़ी हैं उसके माता पिता की ढेर सारी यादें। कई साल गुजर गए, समय ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत दिखाया। बालू और राहुल अपने सपनों को समेटे बढ़ते गए। आज इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया है। दोनों आज 21 बरस के हो गए। उनके जन्मदिन पर आइए, उन्हें मुबारकबाद दें। कोने में 1 2 1 2 3 तड़ी पहले एपड़ी इंगे वंदा? ये घर के अंदर कैसा आया वो? रास्कल एंदरडा। मेरा अप्पा मेरे को कितना प्यार करता है। मेरा बर्थडे पे मेरे को झूला झुलाता है। बढ़िया। 20 साल पहले भी ऐसे ही झुलाया जब मैं छोटा था। मैं तेरे को झूला झुलाता हूँ, उठ और बाहर निकल। लिंगा वाये मुड़ेंगे, तुम्हारा अपना बेटा ये। क्या यार, इतना भी समझ में नहीं आता। तू मुझे यार बोलता है, तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? ब्राह्मण होके दारू पीता है, सिगरेट पीता है, मच्छी खाता है। उठ तुम्हारा कोली में जाओ, पोड़ा और रूम नहीं आने का तुम। अप्पा कैसा नहीं आएगा? कुछ शर्म करो, हमारा बेटे का जन्मदिन आज वो 21 साल का हो गया, तो बधाई नहीं देता? धक्का मार के घर से निकाल देता। नहीं माय मुड़े,
चल बेटा तू नहा धो के तैयार हो जा, मैं तेरे को खीर खिलाती। देख लेना अम्मा, एक दिन मेरा भी नसीब चमकेगा। हाँ, कैसा चमकेगा मैं देखूंगा, ना पाक रहेंडा। निंग इन फादर इलाई सच्चे इन्ने सुन रहा नहीं अपने आप को समझता क्या है? लगता है बाप बेटे का महाभार फिर शुरू हो गया है, मेरे बच्चे की नींद हराम हो गई है। चल बेटा जल्दी से तैयार हो जा, चल। हैप्पी बर्थडे भैया। ए पारो, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ये कोई गिफ्ट है? मेरी टैक्सी की चाबी। सिर्फ चाबी नहीं है, साथ में कार भी है, बढ़िया स्पोर्ट्स कार। ये देखो। ओ पारो थैंक यू। कम से कम तूने तो कुछ गिफ्ट दिया। अरे तेरे बाप को भी थोड़ी सी अक्कल दे दे यार। पारो पारो, पानी पानी बंद हो गया पारो, रसोई का नल बंद कर। चुप कर, कहाँ बैठा है? हिम्मत हो तो बाहर निकल। घर में नहीं है मालूम है, इसलिए तो आया हूँ। खीर। ओ माँ, पारो खीर खाएगी? दबाग कहते हो, आज बालू के बच्चे को छेड़ना नहीं, याद रखना बिल्कुल। अरे माँ कसम यार, मर गया पारो। प्लीज पारो, लास्ट टाइम, ये आखिरी बार मेरी जान बचा ले प्लीज। अब कौन है? अरे मेरे लेनदार है पारो, उठ प्लीज यार प्लीज। खीर खाएगी? खीर मस्त खत्म। पारो अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती पारो। प्लीज पारो प्लीज, आखिरी बार, कसम से इसके बाद में कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं करूंगा ऐसा। आज तुम बालू को पकड़ लेंगे। हाँ समस्या क्या है? देखते हैं। छोड़ेंगे नहीं उसे। नमस्ते, आप लोग कौन है? मेरा नाम जग्गू, दुबई रिटर्न। बालू घर में है क्या? अन्ना घर पे नहीं है। ओए तब बल्लिया, मैं जारा सिंह टैक्सियां वाला। ओ बालू मेरी गड्डी तो चलाता है। आज टैक्सी बाहर खड़ी देखी तो हमने सोचा बालू घर में होगा। वो भैया बाहर टैक्सी खड़ी करके चले गए। कोई बात नहीं बिटिया, कोई बात नहीं। मारा काम तो पैसा देना और पैसा लेना है, ये मारा सुट्टो धंधो से। मैं तो सिर्फ बालू को इतना बोलने के लिए आया था कि उसका 5,000 का मटका लग गया है। तुझे पेट भर के खिलाते हैं। पारो तू तू बैठ, तू गिर गया, मैं लड्डू खा के आता हूँ, अभी आया। तो मैं दोस्त है लड्डू लड्डू। अरे बाबा मेरा जन्मदिन है, जरा बात करते हैं यार, आपस में बात करते हैं। ठीक है, हम कराते हैं तेरा मुंह मीठा। अबे क्या कर रहा है? अबे अरे 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 बोला ना, पेट भरा हुआ मेरा। क्या अन्ना, आप ठीक तो हो? अरे दोस्त लोग हैं, लड्डू खिला रहे हैं लड्डू। अबे बात कर रहे हैं? ओ यार मरवाएगा तो। अबे क्या कर रहे ये राहुल विजय, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए, नहीं वो टाइम पे पहुंच जाएगा। हैप्पी बर्थडे राहुल बेटे। आज मेरा बर्थडे? थैंक यू रामू काका। आज तुम 21 बरस के हो गए हो? चलो जल्दी से नहा लो, मंदिर जाएंगे। बेटे चलो, नाना जी ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारी राह देखते होंगे। जापान के शिपमेंट के बारे में बात करने के लिए मैनेजर्स आए हुए हैं, शायद तुम्हें जापान जाना पड़े। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हाउ इज योर सन मिसेस टॉड? फाइन थैंक यू सर, आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, सी यू।
भगवान करे आज नाना जी का मूड ठीक हो। काका इस साल तुम्हें हिंदुस्तान जाके रहो प्लीज। काका आप उन्हें समझाइए ना, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। प्लीज बी सीटेड। हैप्पी बर्थडे मिस्टर मेहता। थैंक यू। काइंडली एक्सक्यूज मी एज़ आई हैव टू जॉइन माय ग्रैंडफादर ब्रेकफास्ट राइट नाउ, सो आई थिंक वी विल कॉल दिस मीटिंग टुमारो। हां बाय द वे द टोक्यो शिपमेंट इज अ गुड डील, वी मस्ट डेफिनेटली क्लिंच इट। ओके सी यू लेटर। व्हाई कांट आई हैव शैंपेन विद माय ब्रेकफास्ट? You know you have to keep to your diet. I know. What is good for me and what is bad for me. One of these days I'll kill my doctor. Good morning, Nana ji. Good morning. You are 5 minutes late, young man. Sorry. Anyway, happy birthday. Thank you, Nana ji. Come on, sit down. Let's have breakfast. Happy birthday, Rahul. Enjoy your breakfast. Thank you. राहुल तुमने अपना बर्थडे प्रेजेंट देखा? जी नहीं। इट इज द लेटेस्ट कार, टेक इट, आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू नाना जी। ये मेरी तीसरी कार है रामू काका, आप जानते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए। डोंट टॉक नॉनसेंस राहुल, आखिर तुम जिंदगी से चाहते क्या हो? नाना जी आज मैं आपसे कुछ और मांगना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे देना तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे मिल जाएंगे, यही जवाब मुझे मेरा भविष्य बताएंगे नाना जी। भविष्य निकालो बालू का। अबे तू जल्दी से बाहर आ जाओ और बालू से मुझे बचा ले, सामने शास्त्री खड़ूस खड़ा है उसे भी मुझे बचा ले वरना दोनों मर जाएंगे। सुनो सुनो अप्पा सुनो, जोशी जी क्या कह रहे हैं? क्या भविष्य है इस लड़के का? आ, 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 इसके पास तो सुख समृद्धि ऐश्वर्या सब कुछ लिखा है इसमें, इसके पास तो गाड़ियों की रेल पेल होगी, लक्ष्मी तो सामने से दौड़ कर चली आएगी। वो तो अभी भी है, टैक्सी चलाता है। शास्त्री जी इसमें टैक्सी नहीं लिखा, इसमें खुद की गाड़ियां रहेगी गाड़ियां। अप्पा मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ये तोता यही कार्ड निकालता है। सब कार्ड ऐसी ही होगा तो? बिल्कुल नहीं, तुम अपना निकाल के देखो, एकदम फंकस और मलूस निकलेगा। मलूस बोला तुम राक्षस, जब से पैदा हुआ मेरा खून तुम पी रहा है और अभी भी उधार मांग रहा है और इसलिए मुझे इधर लेके आया। देखो बालू तुम्हारे कार्ड और तोते के बारे में मैं इंप्रेस नहीं होने वाला, समझे तुम? अप्पा अप्पा कुछ तो सोचो, मेरे भविष्य का सवाल है। तुम्हारा भविष्य है खिड़ी बंदी बनाओ, फ्यूचर कार्ड मेरी गाड़ी मेरे पैसे, ये देखो भविष्य, ये देखो गया मेरा फ्यूचर खा लिया। अप्पा आखिर तुम जिंदगी से चाहते क्या हो? नाना जी मैं सिर्फ हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। नॉट अगेन। दुबई जाने के लिए मांग रहा हूँ अप्पा, दुबई 20,000 रुपया चाहिए, दुबई पोपराना। उधारी तो मांग रहा हूँ अप्पा, एक महीने में लौटा दूंगा सूद के साथ, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। चलो जाओ वहाँ पे मेरा देना। अरे चला चला लौका कुड़े, ये लो 1 रुपया लो, बस की टिकट के काम आएगा थोड़ा। कंजूस 20,000 मांगा था, निकल गया बस में, मेरे को बेबस छोड़ के। नाना जी I've seen the entire world, मैं सारी दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन मैं जब भी हिंदुस्तान जाने की बात करता हूँ आप मना कर देते हैं, जबकि वही एक देश है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। राहुल वही एक देश है जिससे मैं नफरत करता हूँ, वही एक देश है जहाँ हमारी फैक्ट्री पिछले 20 सालों से घाटे में जा रही है, वही एक देश है जिससे मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन रिश्ता तो है नाना जी, आखिर हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी थे है नहीं, न तुम हो न तुम्हारी माँ थी, उसने बेवकूफी की थी हिंदुस्तान जाकर और फिर वो लौट कर वापस नहीं आई, और आज तुम फिर उसी इतिहास को दोहराना चाहते हो। देखो राहुल मैं अपनी बेटी खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नाना जी आप मुझे खोएंगे नहीं नाना जी, अपने और नजदीक पाएंगे मैं वादा करता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। राहुल तुम बहुत जिद्दी हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। नहीं बिल्कुल अपने नाना जी की तरह। अ
अगर मैं तुम लोगों को इस सातवीं मंजिल से नीचे फेंक दूं, तो तुम लोगों की लाशें कुत्तों के खाने के काबिल भी नहीं रहेंगी। काटे साहब, प्लीज हैव सम पेशेंस। देखिए, धीरे रखिए। आपको तो मालूम है किस तरह लेबर कमिश्नर को पैसा देकर हमने इस फैक्ट्री में लॉकआउट किया। यह आपकी प्रॉब्लम है मिस्टर माथुर। काटे साहब, ये काम बिल्कुल आसान हो गया है क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी मिस्टर राहुल हिंदुस्तान खुद आ रहे हैं। हम ये बात पिछले चार महीनों से सुनते आ रहे हैं। चेयरमैन का बेटा हिंदुस्तान आ रहा है तो हम क्या करें? इट्स योर लुकआउट। डोंट वरी मिस्टर काटे, बस आप देखते जाइए। मिस्टर राहुल मेहता के वेलकम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और कोर्ट के कागजात सब तैयार रखना, समझे? क्या सेठ कोई नेता बता रहा क्या? नहीं भाई, अपनी कंपनी के मालिक का बेटा राहुल मेहता लंदन से पहली बार हिंदुस्तान वापस आ रहा है। वो पट्टे में क्या ले रहा है सेठ? वो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मतलब देर से सही जन्मदिन मुबारक हो। मालूम है क्या, अपने को भी इतनी अंग्रेजी आती है, बात करता है। सेठ, उसका जन्मदिन कभी था? परसों था उसका जन्मदिन। परसों? अरे ये क्या किया तूने, मेरा सर फोड़ दिया। अरे सेठ, तुम सर की बात कर रहे हो, इधर तो किस्मत फुटेली है। अरे मालूम है, परसों साला मेरा भी जन्मदिन था, 9 अक्टूबर। और मुझे देखो, ये सड़ेली टैक्सी में, और वो साला। Mr. Ram Singh? Yes. Welcome to India, sir. My name is Manohar Desai. Achha. Mr. Rahul. Hello, sir. Hello. Welcome Pleased home, to meet sir. you. Sir, jab tak aapka saman aa jaye, aap mere office mein baithiye. Aapki gaadi bhi wahi parked hai. Aapke vice chairman Mr. Mathur ne aapke liye phone bheja hai. Aur afsos zahir kiya hai ki wo time se nahi aa payenge. Thank you so much. Aap chaliye, hum aate hain. Okay, sir. All right. Pramukh ka ye bheed kaisi hai bahar? Tumhare swagat ke liye. ओह गॉड, इतने बड़े आदमी का बेटा पहली बार हिंदुस्तान आ रहा है तो उसका स्वागत भी उतना ही जोरदार होगा। काका, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। आई जस्ट डोंट लाइक इट। जानता हूं बेटे, जाओ ऑफिस में जाके आराम करो, मैं सामान लेकर आता हूं। ओके। हाय राहुल। अरे भाई, मैं राहुल मेहता नहीं, राहुल वर्मा हूँ। राहुल वर्मा क्या? May I help you, ma'am? Yes, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो राम सिंह? मीर चंदानी तुम्हारे पीछे खड़ा है। ओ, मीर चंदानी द ग्रेट। हाँ। अरे इतने मोटे हो गए हो यार। कहाँ यार, लेकिन मुझे बताओ तुमने मुझे पहचाना कैसे? मीर चंदानी इस शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट डिटेक्टिव है। ये क्यों भूल जाते हो? अरे इसलिए तो नाना जी ने मुझे हायर किया है राहुल की देखभाल के लिए। अरे राहुल है कहाँ? अन्ना, लाइसेंस काटा नहीं, गाड़ी बाहर काट चल। क्या? अरे बाबा, लाइसेंस दिखा और टैक्सी बाहर निकाल। अरे निकाल रहा हूँ रे, निकाल रहा हूँ। क्या किस्मत है यार, आगे झंडा और ये डंडा। ठीक है तैसे। अरे भाई, ओ भाई मेरे, ओ सेठ कहाँ जा रहे हो? ये खड़ा है ना इधर, ये देखो
पावती फाड़ेगा मेरे नाम की। थोपड़ा देखो, 100 का नोट दिख रहा है उसको। अरे पैसे मैं दे दूंगा यार, प्लीज चलो यहाँ से, लेट्स गो फ्रॉम हियर। पहले टैक्सी बाहर निकाले तब तंगड़े तोड़ दूंगा तेरी। अरे हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, प्लीज निकालो यहाँ से, लेट्स गो। बाहर नहीं तो दूसरी भी तंगड़े तोड़ूंगा। क्या चल रहा है यार? ये बाबा गपे, अरे बंद कर अपनी पैपे। ए गप, गाड़ी हटाओ। देखो कि कार मैन, हाय 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 हाय, क्या आइटम है बाप? ये आइटम के बच्चे, पहले टैक्सी बाहर कर, तंगड़ी तोड़ दूंगा तेरी। प्लीज निकलो यहाँ से, लेट्स गो फ्रॉम हियर। अरे टांग तोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, इसकी माँ क्या, मैं जा रहा हूँ। अरे ए ए ए रुको, ए जल्दी करो, हम पहले से लेट हो चुके हैं, जल्दी। कुछ पता चला? पूरा एयरपोर्ट छान मारा, कहीं नहीं मिले। हेलो मिस्टर राम सिंह। यस प्लीज। वेयर इज मिस्टर मेहता? मिस्टर मेहता वो तो होटल चले गए। आई एम सॉरी, वी आर लेट। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ सेठ बोलो, किधर जाने का? जाना तो होटल न्यू कासल है दोस्त, लेकिन पहले बॉम्बे घुमाओ। अरे सेठ, ये भारगांव से लोग आते तो बहुत सामान वामान लाते हैं, आप तो बिल्कुल खाली हाथ आए हैं। वो इससे कि मैं बाहर से नहीं आया हूँ, किसी को रिसीव करने आया था। हाँ किसको? वो क्या है, वो बड़े बाप की औलाद है ना? वो कौन? ओ राहुल, राहुल मेहता, उसी को फूल पिलाने आए थे क्या? ओ हाँ 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 हाँ, उसको ही मिलने आया। उसी को मिलने आया था मैं। क्या किस्मत पाई यार साले। अरे मालूम है सेठ, उसका जन्मदिन और मेरा जन्मदिन साला एक ही दिन पे यार। अच्छा? 9 अक्टूबर। अरे साला सन भी वही है यार, 1974। रियली, व्हाट अ कोइंसिडेंस यार। ये ऊपर वाला ना सेठ, कभी कभी अजीब अजीब पेतरे करता है। पेतरे? वो क्या होता है? अरे पेतरे मतलब ये गड़बड़ घोटाले, वो क्या है ना, वो अजब तेरी कुदरत अजब तेरा खेल, छचुंदर के सर पे चमेली का तेल, अपना भी वही हाल है यार। साला वो छचुंदर को तो पैदा कर दिया करोड़पति क्या, और अपने को भेज दिया तेल लेने। साला क्या लाइफ है यार, सुबह से शाम तक ऐसी की तैसी करो पर नतीजा वही। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में दोस्त, तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज है, आजादी। घंटा? अरे आजादी है ना 15 अगस्त की, ठीक है, उसके बाद अपने को नहीं चाहिए आजादी। अरे अपने को चाहिए माल, रोकड़ा, अरे रहने को बंगला, घूमने को गाड़ी, आगे पीछे सलाम मानने की पलटन। क्या मैंने सुना है अमीरों के भी अपने दुख होते हैं दोस्त। अरे तो दुख दे हो यार, अपने को सारे दुख दे दो। वो क्या है ना, कैंसर ना और अल्सर ना बवासीर, जो देने का दो उफ तक नहीं बोलूंगा। अरे साथ में वो माल भी तो दो ना, माल जो सुअर के पास है, जिसकी किचन में वो लोट पोट कर रहा है। माँ कसम सेठ, अपने को भी वही किचन में लेटने का है। तुम बहुत ही दिलचस्प आदमी हो दोस्त, वेरी इंटरेस्टिंग मैन, और बहुत ही प्यारे। ऐसा क्या सेठ, अरे कॉर्डलेस वीडलेस सही है बाप। ये फोन बार बार कट क्यों जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो सीधा होटल ही पहुंच गए हो? किरण, होटल न्यूकासल। अच्छा एक बात बताओ, ये सेंट एंड्रूज चर्च कहाँ है? अरे सेंट एंड्रूज चर्च यहाँ से बहुत लंबा है। मुझे वहीं ले चलो। अरे सर रास्ते में ना अपना गुरुजी का पान भंडार है, वहाँ पे एक एक पान। हाँ पान, वो क्या होता है? अरे सेंट पान नहीं मालूम, पान। चलो जयराम जी के पंडित जी, कैसा हो? अरे दो पान लगाई दो। अरे सेठ तुम्हारा पान कैसा होएगा? वैसा ही जैसा तुम्हारा। दोनों एक जैसा लगाओ, बढ़िया। तंबाकू लगाई क्या? अरे भूल जाओ पान वान तंबाकू का बात, 2 महीने से फोकट में पान खा रहे हो, पहले पैसा निकालो तब पान मिली। हाँ भागा जा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है। अरे दे दूंगा के भागा थोड़ी जा रहा हूँ मैं, थोड़ी इज्जत किया करो यार, सेठ है हमारे साथ। मैं कोई सेठ वेठ नहीं हूँ, दोस्त हूँ तुम्हारा, मुझे नाम से पुकारो, राहुल। कितने पैसे हुए? अरे सेठ नहीं नहीं सेठ, तुम क्या कर दोगे, अपना तो खाता था चलते रहता है। ओ, ये लो। पाउंड बालू का शेंडी, सूट बूट में स्मगलिंग। क्या रे कब से चल गया धंधा? 2 नंबर का धंधा करता है। हाँ घर पे छापा क्या नोट? जाने पासपोर्ट दिखा रहा है, उल्लासनगर का है, वो भी ब्रिटिश पासपोर्ट। वाह 2 नंबर का धंधा और लंदन स्टाइल। राहुल मेहता।
चुचुंदर बोला मैं, चुचुंदर इतना बड़ा सेठ को। ठीक है यार, इट्स ऑल राइट। टैक्सी के साथ खरीद लेगा मैं क्या? हे बालू, कम ऑन बालू, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। चलें, चलो ना, मैं आगे बैठ रहा हूँ। अरे बैठो, आगे बैठो यार, ये तो आप ही की टैक्सी है सेठ राहुल। अरे बालू, पान है लेकिन दूसरे फेरियां बगैर पैसा के हम नहीं देंगे। हेलो सर, मिस्टर मेहता आए? अभी तक नहीं आए, उधर प्रेस वाले भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? ऐसा करिए, इनसे कहिए मिस्टर मेहता डायरेक्ट दिल्ली चले गए। फिलहाल किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेट मी हैंडल इट। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इनको टाल के आता हूं। लेकिन राहुल, वो भी पहुंच जाएगा, लंदन से आया है, कोई गांव ग्राम से नहीं जो रास्ता भटक जाए। एंड डोंट फॉरगेट, डिटेक्टिव मीर चंदानी आपके साथ हैं, मैं अभी इनका इंतजाम करता हूं। Oh, just a minute. Mr. Ram Singh on the line, sir. Hello, Ram Singh. ठीक तरह पहुंच गए तुम लोग? जी हाँ, आराम से पहुंच गए। अच्छा, राहुल से बात करवाओ। जी, वो तो कह दूं कि बाथरूम में, बाथरूम में, बाथरूम में। हाँ, जैसे ही बाहर निकले फौरन बात करवाओ। जी अच्छा, वैसे वो खुश तो है ना? वो तो बहुत खुश है। गुड, बात जल्दी करवाना। तुम बेकार फिक्र करते हो राम सिंह, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। पता नहीं राहुल कहां रह गया। राहुल सेठ, नहीं अब बिड़ू बिड़ू बिड़ू, मेरा बाप अगर मेरे को 20,000 रुपए देता ना, दुबई जाके 2 साल में 2-3 लाख कमा के बंबई में अपना धंधा सेट। इधर देखो, मकड़ी के जाल में फंसा हुआ हूं। तू बहुत खुश नसीब है दोस्त, काश मैं तेरी जगह होता। मेरी जगह होता तो शास्त्री साहब बाप मिलता, 2 दिन में आत्महत्या कर लिया होता। तेरे पास बाप तो है ना? हेलो नाना जी, कौन है? कौन है बे? कौन है? कौन है? ओह राहुल, हाउ आर यू डियर? ही इज योर ग्रैंडफादर। हेलो राहुल, बाहर निकल आए तुम? बाहर निकल आया, कहां से? अरे बाथरूम से। और कहां से? बाथरूम से। हां हां, राम सिंह ने मुझे बताया कि तुम बाथरूम में हो। अच्छा अच्छा, आपकी बात हो गई उनसे? हां हां, उसने बताया नहीं तुम्हें कि मेरी बात हो गई है? अरे उससे मैंने ही तो कहा था कि राहुल से फोन करवाओ। जी हाँ, इसलिए तो फोन कर रहा हूँ मैं। गुड। अच्छा ये बताओ कि हिंदुस्तान कैसा लगा? अरे बकाना, क्या हुआ? वो क्या नाना जी, मैंने पान खाया, पान बहुत मजेदार चीज है। मजेदार माई फुट, अभी जाके पान फूको फौरन। जब तक राम सिंह को फोन दो, मैं उसे जान से मार डालूंगा। उसने तुम्हें पान कैसे खाने दिया? फौरन फोन दो उसे, कहाँ है वो लाला? जी वो कि वो बाथरूम में। दरवाजे पर नॉक करो, बड़बड़ाओ, तोड़ दो दरवाजा, ब्रेक द डोर, आई से कम ऑन। ओह हनी, नॉट टुमारो। हाउ डेयर यू? रिलैक्स, यू विल लिव लॉन्गर। जब भी ये बंबई शहर है ना, अपने दिमाग की धही करता है ना, अब वो इधर ही आके बैठता है। अरे माँ कसम बेड़ो, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। जानता है बालू, मैं यहीं पैदा हुआ था बंबई में। अच्छा, एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप नहीं रहे जब मैं सिर्फ 2 साल का था। मेरे नाना जी मुझे यहाँ से लंदन ले गए और वहाँ इतना बड़ा हो गया मैं। लेकिन मेरा मन हमेशा हिंदुस्तान आने के लिए तड़पता रहा। मैं वो घर देखना चाहता था जहाँ मेरे माँ बाप रहते थे, और वो कब्रिस्तान जहाँ उन्हें दफनाया गया। दफनाया गया मतलब? मतलब मेरी माँ हिंदू थी और बाप क्रिश्चियन। बहरहाल जो भी है, मैं आधा हिंदू हूँ और आधा क्रिश्चियन, और तुम ब्राह्मण। सिर्फ नाम का, जन्म से तो मेरा बाप मुझे अघोरी मानता है, इसीलिए तो घर में नहीं घुसने देता, मैं अलग रहता हूँ यार। उसी ने दिया है, लेकिन किराया देता हूँ। अच्छा एक बात और, मेरे नाना करोड़पति हैं, मैं नहीं। उनकी दौलत पर मैं अपना कोई हक नहीं समझता। और हाँ, थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, क्या अब भी तुम मुझे अपना दोस्त समझोगे? बेड़ो पहले तो तू सिर्फ करोड़पति था, लेकिन अब अनमोल हो गया है। मेरे छोटे से घर में चलेगा? चलें। इसी बहाने माँ से मिल लेना। चल चल। Thank you.
माँ अप्पा इंगे इधर अपड़ी चंद फ्रेंड है मेरा दोस्त राहुल नमस्ते कहाँ रहता है बेटा जी कौन सा जाते तुम अरे वो हिंदू है हिंदू ब्राह्मण हमसे भी ऊंचा है ब्राह्मण लगता है तुम्हारा दोस्त बड़ा पैसा वाला है दो साल दुबई में था इसीलिए तो लाखों रुपए कमाए अरे मुझे दे दिए होते ना 20,000 रुपए तो मैं भी इसकी तरह लखपति होता पैसे की बात मत बोलो नाम राम राणा बात कर रहे हैं खाना खाया बेटा नहीं माँ बालू इसे घर लेके जा मैं अभी आती चल कैसे दिया जी 40 रुपए दर्जन चल अपना एरिया है ये यहाँ ना अफजल टोंडा यहाँ डाव देखा ना डाव फिसल गया यहाँ खालिद भाई खिचोरा और यार है अपना बिड़ू यार है अरे भाई सही है ना इंदस और यहाँ पे ना पक्के रहता था पक्के अपना अपने अपने एरिया का शाना समझता था ये कान के नीचे उधर ही खड़े खड़े चंडी की बालू नया बकरा फांसा क्या रे ये माइकल कौन बोल रहा था आने को चल ठस्सी हो जा देखो क्या कान के नीचे ना बात करता है अरे भिंडी तू एक काम कर रहा है तू निकल यहाँ से एक सड़ेला सा मुंसिपाली का नल है वहाँ पे चार पांच औरतें झगड़ा कर रही है वहाँ पे एक बिल्डिंग है बिल्डिंग सड़ेली थी उधर ही मैं रहता हूँ वहाँ पे पहुंच में आता हूँ अभी एमएलए का मैटर पटा के Excuse me, ये शास्त्री जी का घर कहाँ है? यही है। दीदी मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। दो महीने से राग यमन सिखा रही हूँ तुझे। राग तो दूर बॉयनेट पकड़ना तक नहीं आया तुझे। रुक जा प्लीज दीदी, रुक जा वरना आज तो मेरा तांडव जरूर देखेगा। देख मुझे मत सता। दीदी रुक, दीदी। अरे बाप रे, ये मैंने क्या किया? अयो यो ये क्या हो गया पारो ये क्या किया तूने अरे हल्दी का पानी है ये तो हाँ अभी नौकरानी गई थी तो पानी छिड़क के घर शुद्ध किया था बाकी पानी फेंक रही थी तो सामने ये आ गए देख के तो फेंकना चाहिए था बेचारा पूरा भीग गया ना कोई बात नहीं शुद्ध हो गए लो बालू आ गया बेटे इस घर जाके कपड़े बदल ले जा तूने अपने घर वालों से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला यार बोलना पड़ता है बिड़ू तू मेरे बाप को नहीं जानता अच्छा सुन इसे कैसे बांधते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा जरा समझा दे ये लपेट इसको हाँ लपेट यहाँ पे गिठान मार बांध गिठान और ये ले और ये पक करके अंदर डाल दे फर्स्ट क्लास अब देख इस पतंग की डोर से तेरे लिए ऐसा जनेऊ बनाता हूँ कि बस्ती की सारी लड़कियाँ तेरे लपेटे में आ जाएगी तुम्हारे पास पियानो है पियानो होगा तेरे लिए मेरे लिए तो फर्नीचर है ये तो बहुत बुरी हालत में है कोई पियानो कैसे रखता है अरे मेरा थोड़ी है वो पिछले किराएदार का था उसने पैसे दिए नहीं तो शास्त्री ने उसका पियानो ही रख लिया तब से पड़ा हुआ है यहीं पे बच के रहना तू शास्त्री से ये रहा तेरा जनेऊ आजा अन्ना आ रहा हूं आ रहा हूं बाहर आके देखो ना क्या हंगामा हो रहा है अन्ना बाबा आ रहा हूं जल्दी आओ ना ओफो पारो परदेसी बाबू अंग्रेजी बाबू इंडिया की गलियों में खो गया रामा हो रामा बस्ती में हंगामा हो गया परदेसी बाबू
अंग्रेजी बाबू इंडिया की गलियों में खो का एक मेहमान है तू जाने मन हमरी जान है तू हम सबका एक मेहमान है तू जाने मन हमरी जान है तू मैं सबसे तुम्हें मिलाता हूँ यारों का यार बनाता हूँ ये राजा है ये रानी है ये राजा है ये रानी है ये अब्दुल है ये जानी है ये मजनू छैला हाय लैला लैला करते करते पागल हो गया रामा हो रामा बस्ती में हंगामा हो गया अपने आप से डरते हैं हम हंसते गाते जीते हैं हम हंसते गाते मरते हैं हम हंसते गाते जीते हैं हम हंसते गाते मरते हैं नजरों का धोखा एक हवा का धोखा ये जीवन ये आया हो गया रामा हो रामा बस्ती में बात हो गया मैं तो पुलिस को खबर करने जा रहा हूं क्या पागल हो गए हो तुम उसकी जान खतरे में डालना चाहते हो खतरे में मतलब अरे भाई पुलिस को रिपोर्ट करोगे तो पुलिस क्या करेगी पुलिस राहुल की फोटो सारे अखबारों में छपवा देगी सारे टीवी चैनल पे उसकी फोटो दिखा देगी अंडरवर्ल्ड के लोगों को मौका मिल जाएगा और राहुल को वो अपने कब्जे में ले लेंगे ताकि नाना जी से करोड़ों की डील कर सके ही विल बी किडनैप्ड लाइक दिस अरे मां घर में बहुत जानती है अरे शास्त्री घर में नहीं है शास्त्री घर में नहीं है अरे माँ खाना बहुत मस्त बनाया आज तूने अरे 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 तू अकेला ही खाएगा या अपने दोस्त को भी खिलाएगा दोस्ती में क्या है टूट पड़ने का सिरा हाँ बेटा टूट पड़ो जल्दी से अगर ये टूट पड़ा ना कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे लिए समझे ले अरे माँ वो राहुल कह रहा था कि उसे हलवा खाना है तो मैंने कहा कि मेरी माँ के हाथ का बना हलवा तो लाजवाब
हलवा खाना है तुझको और नाम ले रहा है राहुल का। वैसे दूधी का हलवा तो मैंने आज बनाया है। अच्छा ठीक है, राहुल कह रहा था ना, ले राहुल हलवा खा ले बेटा। माँ मेरी, और हलवा ये खाएगा बेटे? राहुल कह रहा था। माँ देना, राहुल कह रहा था बेटे। माँ तेरे हाथ से खिलाना, माँ खिलाना खिलाना माँ। अन्ना मैंने इनके सब कपड़े धो दिए हैं और हल्दी के दाग भी निकाल दिए हैं। वेरी गुड। अरे राहुल एक दो दिन रुक जा, यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, पिक्चर जो देखेंगे। हाँ अरे एक दो दिन रुक जा यहाँ पे, मस्ती वस्ती करेंगे। हाँ यार जाने को तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है, पहली बार जिंदगी में माँ के हाथ का खाना खाया है ना, रह जाओ। दोस्ती में पूछ लेगा नहीं, कर डालेगा सीधा। नहीं यार रमुका का परेशान होंगे तो फोन कर दे, मैं बात करूँ। नहीं नहीं ठीक है मैं करता हूँ। नो प्रॉब्लम। रामू का हेलो राहुल। राहुल बेटे, बेटे दिल बेचैन है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। जानता हूँ काका, इसीलिए फोन कर रहा हूँ कि तुम चैन से सो सको। चैन से कैसे सोऊंगा बेटा जब तुम आंखों के सामने नहीं हो। तुम किसी मुसीबत में तो नहीं? काका नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जहां भी हूं ना बहुत मजे में हूं। काका आज पहली बार महसूस किया मैंने कि जिंदगी क्या है, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। नहीं नहीं बेटा, राहुल ऐसा मत करो बेटा, कल दोपहर को प्रेस की मुलाकात है और उसके बाद बोर्ड मीटिंग है, अटेंड करोगे ना? हाँ भी और नहीं भी। मतलब? मतलब काका मेरी जगह वहां कोई और पहुंच जाएगा और मीटिंग अटेंड कर लेगा। अरे अरे राहुल पागल हो गए हो क्या? अरे दूसरा कोई तुम्हारी जगह कैसे ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। देखिए काका, सिवाय आपके और मिर्ची नानी के वहां कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूं। आप दोनों जिसे भी राहुल मेहता बनाकर पेश करेंगे लोग स्वीकार कर लेंगे। ओह प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, और हाँ अपना ख्याल रखना ओके। तू पागल हो गया है क्या? मैं तेरी जगह कैसे ले सकता हूँ? अरे पुलिस के हवाले कर देंगे मेरे को वो। नहीं करेंगे यार, मेरी बात हो गई है उनसे, दे आर गोइंग टू कोऑपरेट फुली। अब सुन, तू सीधे होटल जा और वहां कॉन्फिडेंस से बोल आई एम राहुल मेहता, फिर देखना कैसे स्वागत होता है तेरा। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, ये राहुल मेहता वाला कॉन्फिडेंस? देखो बालू, अगर तुम इमेजिन करोगे कि तुम राहुल मेहता हो, 16 देशों में 72 फैक्ट्रीज और कंपनीज के अकेले वारिस, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। नहीं आएगा बेड़ो, नहीं आएगा। तुम ही जाओ और ये झमेले ना मेरे बस की बात नहीं। हद करते हो यार, इतना डरते क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम ऑन बालू, शो मी सम गट्स यार। देखो बालू, अगर कल को तुम सचमुच अमीर इंसान बन गए तो नहीं यार, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। क्या मैं सचमुच अमीर बन सकता हूँ क्या? क्यों नहीं हो सकते हो, जरूर हो सकते हो यार। अरे वाह, अगर तुम चाहते हो। चाहते हो? चाहता तो हूं यार। तो बस तुम्हारा रास्ता उधर। और तुम्हारा? तो तुम वहीं रहोगे बेटे? नहीं माँ, दो तीन दिन, तेरे से कभी दूर रहा हूं मैं। ए, मैंने मना किया था ना एक घर में नहीं आने का, क्यों आया? तो तुम्हारे से मिलने नहीं आया हूँ, माँ से मिलने आया हूँ। अपा जाने दो ना, अनजान लोगों से बात नहीं। नहीं माँ, वो तो मैंने अभी से छोड़ दिया हूँ। तो अपनी चीजें संभाल के रखा। रखूंगा माँ। तूने अपनी जरूरत की चीजें ले ली सब? हाँ जरूरत की सारी चीजें मेरे पास। देखो खाना ठीक से खा लेना तुम। माँ मेरा ख्याल रखने वाले बहुत है वहाँ पे। देखो शाम के टाइम दूध जरूर पी लिया। शाम के टाइम पे दूध पी लूंगा, पी लूंगा। तेरी कैसी नौकरी बेटा? अरे माँ नौकरी तो बहुत अच्छी है मेरी, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना होगा मेरा, ये छोटे मोटे लोगों से तो मिलना ही छोड़ दिया है ना मैंने। कौन देगा तुमको नौकरी, कौन देगा तुमको नौकरी? मैट्रिक में 10 बार फेल है, एक नौकरी मिलेगा तुमको, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ये भी एक कला है, तुमको क्या मालूम? काम पे जाते समय नहीं टोकना उसे,
Hey, Baju. Hi, Paro. अपना ख्याल रखना. पाड़े पड़ा पो. अरे जा रहा हूँ जा रहा हूँ. अरे ये तो रह गया बेटा. माँ मैं खा लूंगा बस. आगे पढ़ो. आगे पढ़. हेलो कौन भैया फोन. हेलो कौन. काटे साहब. तेरा मैं क्या करूं माथुर. जब हम मिले थे तो तूने कहा था कि चेयरमैन का बेटा हिंदुस्तान आ रहा है. वो आ गया. आ गया. आ गया काटे साहब. तो तूने क्या किया. काटे साहब दो दिन के बाद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और हम वहां मिल रहे हैं. मौका मिलते ही डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लेंगे. माथुर क्योंकि तू इतना बेवकूफ आदमी है कि मुझे तरस आता है तुझ पर. इसलिए मैं बार बार तुझे छोड़ देता हूँ. इस बार अगर तूने चालाकी की तो मैं तुझसे तेरी ये दुनिया छुड़वा दूंगा. समझा. ये माथुर परिवार का वादा है आपसे. तू अपने आप को समझ सके कॉर्पोरेटर. हमारा इतना पैसा खाने के बाद एक पेपर पे साइन नहीं कर सकता है. तेरे बोलने पे इतने किराएदारों से मेरी जगह खाली कर रहे हैं. एक बात याद रखना कॉर्पोरेटर. अगर तेरी लाश पर भी मुझे यहाँ नींव डालकर बिल्डिंग बनानी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा. समझा तू. मारो साले को. ओए किधर जाना भाई साहब. अरे वो देख उधर देख उधर देख. अरे हेलो हेलो सिक्योरिटी. एक्सक्यूज मी. लैंड बाजू. माय नेम राहुल मेहता. आई एम ग्रैंडसन शंभुनाथ मेहता. आई कम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. आई वांट टू मीट मिता राम सिंह. इतना रटेला था. कॉन्फिडेंस खलास. हेलो राम सिंह है सर. कोई साहब आए हुए हैं. अपना नाम राहुल मेहता बताते हैं. क्या मैं उन्हें ऊपर भेज दूं. अरे नहीं नहीं भाई. हम लोग नीचे आ रहे हैं उन्हें लेने के लिए. वो हमारे मालिक हैं. राइट सर. एक्सट्रीमली सॉरी सर. मैंने आपको पहचाना नहीं. बहुत बदतमीजी करती मैंने आपके साथ. चलता है भिड़ू चलता है. इतना सुनने की तो आदत पड़ गई है. माँ कसम इसके बाद कुछ बोला ना तो इधर ही तोड़ डालेगा तेरे को. अरे क्या सही है यार. हाय 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 हाय. माँ कसम यार इसको तो पैक करके घर लेके जाने का. बदतमीज लोफर कहीं का. अरे यही राम सिंह लगता है. ओ गॉड. ये क्या नमूना भेज दिया राहुल ने. ये तो कुंडा लग रहा है. क्या आकड़ू है. ए भाई तू ओ यार कहाँ फंसा दिया. अरे क्या सही खोली है बाप. अरे मार पार होते तो क्या मजा आता. माँ कसम इधर तो लाइफ बन जाएगी वाह. अरे सही है. अबे क्या करे छोड़ दे. अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई राहुल बनके यहाँ आने की. सच सच बता कौन है तू. किस गिरोह से ताल्लुक रखता है. मैं हाँ. तेरे गैंग में और कितने आदमी हैं. गैंग हमारे मालिक को कहाँ के टैग करके रखा हुआ है. राहुल कहाँ है जल्दी बता. नहीं तो ए मेरे को गैंग नहीं है समझा क्या. अब गुंडा उंडा नहीं हूँ. और तेरे राहुल को ना मैंने किडनैप नहीं किया था. वो अपनी मर्जी से वहाँ पे रह रहा है और मुझे कोई शौक नहीं यहाँ पे रहने का समझा क्या. उधर देख. अरे क्या
हेलो कौन राहुल कौन है तेरा हेलो हेलो राहुल हाँ इस वक्त जो आदमी आपके साथ है ना उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है क्योंकि उसी की वजह से आज मैं बहुत खुश हूं काका अगर आप उस आदमी को एक बार जान लेंगे ना उसे मोहब्बत करने लगेंगे यू लव हिम राहुल बेटे बेटे मैं तुमसे मिलना चाहता हूं काका प्लीज कुछ दिन और यहां रहना चाहता हूं मैं ठीक है अब तुम कह रहे हो तो यू आर ग्रेट काका यू आर ग्रेट थैंक्स जूस मंगा जूस हेलो यू मिस्टर अमेरिका आई मिस्टर इंडिया धरावी पिन कोड 22 आई टॉकिंग वेर यू लुकिंग नॉट समझिंग दक्कन बुच हेलो गुड कलर इस मैन कलर यू समझ इंग्लिश नो से इंग्लिश आई स्पीक गुड इंग्लिश कॉन्फिडेंस I speak refrigerator, Pepsi Cola, Coca Cola, auto rickshaw, taxi, taxi. When I go to London, I buy 5 taxi. Indian taxi. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. Hello? क्या नाम बताया आपने? जी राहुल. हाँ राहुल. बहुत नेक इंसान था तुम्हारा फादर और तुम्हारी मां भी बहुत समझदार और स्ट्रांग वुमन हाँ तुम
तुम्हारी मदर हिंदू थी जी। बहुत खिलाफ थे सब उस शादी के, पर इतना प्यार करते थे दोनों कि सबको चुप करा दिया और फिर इसी चर्च में शादी हुई दोनों की। तुम्हारा फादर पियानो बहुत अच्छा बजाता था, उन्हें बच्चों को सिखाने का बहुत शौक था, कभी कभी तो चर्च में शुरू हो जाता था। तुम्हारा फादर मेरे छोटे भाई का अच्छा दोस्त था, अक्सर वो मेरे घर भी आता था, इसलिए मैं उसके बारे में जानता हूं। ओह कम ऑन राहुल, चीयर अप, आफ्टर ऑल दिस इज लाइफ। फादर मैं उनकी ग्रेव पे जाना चाहता हूं। उनकी ग्रेव यहां नहीं है, शायद महालक्ष्मी में। फादर ब्रिगेंजा एक हफ्ते के बाद आएंगे, उनसे पता चलेगा, उनसे मिलना। ओके फादर, थैंक यू। तुमने शादी की? नहीं फादर। लेकिन प्यार तो जरूर करते होगे किसी से। माय चाइल्ड, एक बात याद रखना, लाइफ में जो भी करना पूरे दिल से करना, तुम्हारे फादर मदर की तरह। तुम्हारे फादर मदर की आत्मा को शांति मिले। गॉड ब्लेस यू। ऐसे पकड़ो इस हाथ में और ऐसे काटो, ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे। एक मिनट, आपका नाम क्या है? राम सिंह। राम सिंह, और आपका? ईश्वर कुमार मीरचंदानी। क्यों? शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक राम एक ईश्वर, और खाना तो ऐसे खा रहे हो जैसे किसी का पोस्टमार्टम कर रहे हो। अरे दो हाथ दिए ऊपर वाले ने, खुल के इनका इस्तेमाल करो। मैं बताता हूं, ये देखो। हेलो हेलो, कैसा है तू? ए राहुल, तू कैसा है? एकदम झकास झकास। लाइन पे आ रहा है, लाइन पे आ रहा है। अच्छा बोल, कहां से बोल रहा है? तुम कहां हो? मैं तो डाइनिंग टेबल पे हूँ। मैं तो टैक्सी में हूँ अभी, लाल बत्ती पे। अरे यार बहुत दुख हो रहा है सुनके। बिल्कुल नहीं यार, बहुत मजा आ रहा है, मुझे प्यार हो गया है। प्यार हो गया तुझे? सुधर गया सुधर गया। अच्छा बोल कौन है, कौन है वो? बहुत प्यारी है यार। अरे यार कुछ बात बात की उससे? अभी तक नहीं की यार। क्यों? बहुत डर लग रहा है, पहला प्यार है ना, पता नहीं उससे कैसे कहूं। कहां से शुरुआत करूं? अरे भगवान का नाम ले और अपनी पहली कमाई से कोई अच्छी सी चीज खरीद के उसको दे दे। अगर उसने तोहफा वापस कर दिया तो? तो तेरी किस्मत, लेकिन अगर उसने कबूल कर लिया यानी हरी बत्ती ऑन और लाइन क्लियर। ऑल द बेस्ट। ओके क्या पाड़े अपन क्या अभी कॉर्डलेस से बात कर ले, ज्यादा बात नहीं करेगा, बहुत बिजी हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन से एक कम आ गया। चल देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोच समझ के बातें करना। हाँ ना, ये अखबार वाले एक बात के हजार मतलब निकाल लेते हैं। कम रास्ता छोड़िए प्लीज। ये फोड़ गया तेरी हेडलाइट। फोटो इसके अलावा आप क्या और क्या करते? तू ले आना, चलो आजवाट ए दाढ़ी तू ले। इसके नए प्रकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वन फोटोग्राफ। अरे वाह सही है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्लीज। गुड मॉर्निंग मिस्टर माथुर। गुड मॉर्निंग मिस्टर माथुर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये 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 क्या तरीका है? ठीक से बैठिए। सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, मैं जरा जैक पे आ गया था। भैया अब अपना काम और भी आसान हो जाएगा। रामू काका, ये मर्सिडीज के साथ ये ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? माथुर साहब, राहुल बेटे, ये हैं विद्याचरण माथुर, जनरल प्रोडक्ट्स के वाइस चेयरमैन। हेलो मिस्टर मेहता। हेलो, नाइस टू मीट यू। नाइस। ये मेरे छोटे भाई हैं श्याम चरण माथुर, कंपनी के जनरल मैनेजर, और ये मेरे सबसे छोटे भाई। आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। रामू काका, ये कंपनी मेहता की है या माथुर की? नाना जी ने लगता है इन लोगों को डजन के हिसाब से रखा है। थोड़ी देर के लिए तो मैं समझा मेरा नाम राहुल मेहता नहीं राहुल माथुर हो गया। और ये है हमारी बेटी पूजा, इस कंपनी की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। पूजा,
हाय डैडी, लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। बेटी ये तो पहली बार हिंदुस्तान आए हैं, तुमने किसी और को देखा होगा। अब देखो ना, जैसे कि बम्बई में सारी टैक्सी एक जैसी होती हैं और जैसे कि लोग भी एक जैसे होते हैं, आपके माथुर 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 को ही ले लो। हाँ, आपको छोड़ के आपकी तो बात ही कुछ और है। वेरी इंटरेस्टिंग, बाय द वे शी इज योर एस्कॉर्ट, ये आपको बम्बई शहर घुमाने ले जाएगी। यानी के मीटर डाउन। 125। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मुझे भी इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी क्या? पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान लगता नहीं तेरा, बातें करता है। जिस रफ्तार से चल रहा है ना, किसी इमले की दुकान पे बैठा होगा। दीदी, वो पियानो वाला अंकल कल से कहीं दिखे नहीं। वो बहुत अच्छे हैं ना, वो पियानो कितना अच्छा बजाते हैं। दीदी, वो पियानो वाले अंकल। हाय, मैं घर जा रहा था, आपको यहाँ देखा, सोचा कि आप भी वहीं जा रही हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा। चलो ना दीदी, चलो ना। चले चले।
और नो एंट्री की गली में गाड़ी खड़ी करता है क्या? हाँ चला आ जब आ रहा। ये वही गाड़ी है ना, उस दिन हवाई अड्डे से वो ट्रैफिक की लाइन तोड़ के भागी थी वो। हाँ चल बाहर आ जा। और बाहर ही तात्या, बाहर ही लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। ये लाइसेंस है, क्रेडिट कार्ड है? इंटरनेशनल लाइसेंस है। अरे वो सब जान दे, पहले ये बता तुम इससे पहले टैक्सी कहाँ चलाता था? लंदन में। कौन से जिले में आया? लंदन? Excuse me. ये वॉकी टॉकी है क्या? मोबाइल फोन। हेलो बालू, कुछ करो यार, एक ट्रैफिक पुलिस वाला मेरे पीछे पड़ा है, क्या करूं? इतनी सी बात? अरे 10-20 रुपए दे और मामला वहीं सॉल्व कर ले। अच्छा, अरे जल्दी करें। हाँ करता हूँ यार, एक मिनट। कमाल है, लगता है फोन देख के डर गया है। अब बोल। अरे मैं तो बहुत मजे में हूँ, और मैं भी ट्रैफिक में फंसा हूँ। मतलब? समझा कर यार, एक्सीडेंट हो गया है मेरा। किससे? है एक। कैसी है? अरे तू देखेगा ना तो पागल हो जाएगा, 96 का लेटेस्ट मॉडल। लेकिन यार उसके पास जाने को डर लगता है। डर लगता है? वो भी तुझे? बहुत हाईफाई है यार तेरी तरह। अब तू ही कोई रास्ता दिखा ना जिससे मेरी ड्राइविंग थोड़ी आसान हो जाए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बताता हूँ, ध्यान से सुना। अरे तू तो उस्ताद है बिड़ू, मैं तो तुझसे एडवाइस लेने की सोच रहा था, तू तो मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा, हाँ देख,
अरे यार ये रोज का लोचा है, लगता है पूरे बंबई का पानी है ना बड़ा यही नल में। देख बेड़ू, ध्यान से सुन। सबसे पहले तू धीरे धीरे पता करने की कोशिश कर कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद करती है, वही करता रहे। स्टाइल में पटा यार, उसके लिए कुछ फूल कपड़े गहने। टेक आउट फॉर डिनर, हाँ? और जैसा वो तुझे देखना चाहे ना वैसा ही बन जा। बस बस बिड़ू, मामला फिट। यू जस्ट सी शी इज गोना फ्रीक आउट फॉर यू। लट्टू हो जाएगी। समझो, पट गई यार। पट गई? पटाना जो है ना वो क्या कहता है ना तुम्हारे बिड़ू। बिड़ू के बस की बात नहीं है, क्योंकि जितना आसान वो समझता है ना उतना आसान नहीं है। ओह शिट। समझे मिस्टर, जो भी हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे पटाने के तरीके तुम दूसरों से पूछ रहे हो? मुझे पता नहीं था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बावजूद तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना घटिया होगा। एकदम टपोरी हो वाला। गुड बाय। पूजा, पूजा कहाँ जा रही हो? पूजा, 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 इतना नाराज क्यों हो रही हो पूजा? राहुल, मेरा रास्ता छोड़ दो। पूजा, तुम जाना चाहती हो? हाँ मैं जाना चाहती हूँ। जाने से पहले मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुन लो। हाँ मैंने तुम्हारा दिल जीतने का तरीका अपने दोस्त से पूछा था, लेकिन बिकॉज आई अब प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा जरूर हूँ, लेकिन प्यार के मामले में गवार हूँ एकदम। तुम प्यार के मामले में ही नहीं, काफी हद तक गवार हो। अरे ये गवारपन नहीं, ये तो दिल का खुलापन है। हालांकि लंदन में काफी रिश्ते आए थे मेरे लिए, लेकिन तुम्हारी तो बात ही कुछ और। अब तुम ही इस गवार को थोड़ा सिखा दो ना वो प्यार यार। और मैंने अपने दोस्त से ही बात की थी, कोई शहर में ढिंढोरा थोड़ी पीटा था। मिलोगी मेरे दोस्त से? टैक्सी चलाता है। टैक्सी? अब क्या करें, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। अरे आई सन का देख रहे हो दीदे फाड़ फाड़ के? अरे हम वही हैं, पहचाने नहीं? अरे पहचान रहे हैं भैया, खूब पहचान रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आवत कि जौन ससुर टैक्सी ड्राइवर रहन कल तक आप सूट बूट और जैकेट पहने घूम रहे हैं, और वो बेचारा जौन करोड़पति का बेटवा रहा आज टैक्सी ड्राइवर बना घूम रहा है। ई काया पलट कैसे हो गई भैया, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आवत। कहा बेहोश हो जाए? नहीं 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 नहीं, सब सितारों का खेल है गुरु, पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ और ये कुंचा, ये क्या गली गली में फेरी लगाने का इरादा है क्या? अरे भैया ई अबहिन सितारन का बात कही है ना, तो हम सोच रहे हैं कि न जाने कब हमार सितारा गर्दिश में हो और म्यूनिसिपैलिटी वाले आए और हमार दुकान उठा के लेके चले जाएं, तो हम पहले ही से खोंचा लिए घूम रहे हैं। चका चक। अरे कछु ना होए पंडित जी, कछु ना होए, चिंता मत करो, बस इतना करो कि हमारे लिए दुठो तमाकू के पान लगाए दो। चका चक। और एक ठो पान गुलकन वाला। चका चक। गुलकन वाला पनवा कौन से सुर खातिर? अब ये ना पूछो, बस हाथ चलाओ खटाखट। ले ओ, पहली नजर में प्यार हो गया मुझे। ये मेरा दोस्त है बालू, बालू। ये पूजा। हेलो। हेलो, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। दोस्त तूने तो मुझे डरा ही दिया। कौन है बेटे? कोई नहीं माँ, अपना मुरली है। पिछले इतवार को उसको इमली लाने को बोला था, अभी तक नहीं लाया। पियानो वाले ने चिट्ठी भेजी है, 5 बजे बीच पे बुलाया है। आ, 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 आ,
मुरली देख तेरी दीदी कैसे मुझे इंप्रेस कर रही है। अरे पारो कहाँ जा रही है? मेरा दिल गया मेरी जा गई, मेरा दिल गया मेरी जा गई, अब क्या रह गया सब कुछ खो गया, देखो ये क्या हो गया। देखते देखते हाय देखते देखते करता हूँ, मत सोचो मैं इस रंग रूप पे मरता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ।
ओ शास्त्री जी, सत श्री अकाल। वणक्कम जी। की गल, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। पापा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। वो लोग अय्यर फैमिली का है, लड़का PWD में इंजीनियर है, खुद का मकान है, और उन लोग धार्मिक पूजा पाठ करने वाले हैं, हर साल तिरुपति जाता है। फिर शास्त्री जी, गलती पक्की हो गई है ना? ठीक है जी। हाँ, परसों वो लोग आने वाले हैं पारू को देखने के लिए। फिर जी, बहुत बहुत बधाई, सानू ना भूल जाए। पापा जी थैंक यू, फिर मिलेंगे। माँ, माँ इतनी भी क्या जल्दी है? माँ कुछ दिन और रुक जाते हैं। क्यों रुक जाए बेटी, बीए तो तूने कर लिया, आगे तुझे पढ़ाना नहीं? मुझे पढ़ना है माँ, मुझे एमए करना है। बस हो गई पढ़ाई, तेरे साथ की लता लक्ष्मी सबकी शादी हो गई, तू भी शादी करके अपने घर चली जा। ऐसा मत बोल माँ, मैं तेरी बेटी हूँ। यही तो तेरा कसूर है पारू, बेटी तो पराई होती है, जिस घर में वो जन्म लेती है वो उसका अपना घर नहीं होता। उसका घर तो वो है जहाँ उसका पति रहता है, तू तो इस घर में मेहमान है बेटी, कभी कभी आने वाली मेहमान। पारो, दीदी राहुल कहाँ है? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जानती हो, मेरे माँ बाप रहते हैं यहाँ, उन्हीं से मिलने आया था मैं। आओ, तुम भी मिलो उनसे, वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। पारो, आओ। कम क्या हुआ? कम ऑन सिली गर्ल, कम ऑन। पारो, कौन हो तुम? सब कुछ बताता हूँ, पहले अंदर आके मिल तो लो उनसे। नहीं पारो, तो मेरे घर वालों की बेइज्जती कर रही हो, आ जाओ। कहां से आए हो? क्या चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं राहुल मेहता हूं, मेहता इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। मैं क्रिश्चियन हूं, लंदन में रहता हूं। मेरे नाना जी एक करोड़पति हैं, कभी किसी चीज की कमी नहीं रही मुझे। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, आजकल यही रहते हैं, और उन्हीं से मिलने में लंदन से आया हूं। और कुछ जानना चाहती हूं मेरे बारे में? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी राहुल, तुमने मुझे इतना कुछ छुपाया। प्यार जो एक झटके में टूट के गिर जाए उसे प्यार नहीं कहते। ये होता है प्यार, ये जो मेरे माता और पिता ने किया। उन्होंने एक दूसरे को चाहा, एक दूसरे पर भरोसा किया, एक साथ मिलकर दुनिया की सारी कठिनाइयों का सामना किया। जब वो ये दुनिया छोड़ के गए ना, तब भी दोनों साथ थे। ये होता है प्यार, लोग आज भी इस प्यार की मिसाल देते हैं। तुम्हारा प्यार, देख लिया तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे प्यार ने चंद सांसें ली और दम तोड़ दिया। तुम क्या जानो प्यार क्या है? जाओ, चले जाओ यहां से।
तुम मेरे राहुल नहीं हो सकते, तुम मेरे राहुल नहीं हो सकते। Get out of here! हो गए क्या? ना तूंगल लक्ष्मी, संगीत सुन रहा हूं। क्या मधुर संगीत है। अपना राहुल बजाता है ये। जानता हूं, எனக்கு நல்லாவே புரியுது லட்சுமி। लोगों से मिलकर हमें सचमुच बहुत खुशी हुई और हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। क्यों बेटी, खाना वाना बना लेती हो? सब कुछ बना लेती है, बहुत अच्छा। तुम भी कुछ पूछ लो। आपकी लड़की कहाँ तक पढ़ी है? बीए पास है, फर्स्ट डिवीजन। इसे भी तो बोलने दीजिए बहन जी, क्या ये गूंगी है? नहीं, रोज बहुत बोलती है, जरा ज्यादा शर्माती है। आप तो कह रही थी आपकी लड़की वायलिन बहुत अच्छा बजा लेती है। जी, वायलिन बजाती भी है और यहाँ के बच्चों को वायलिन सिखाती भी है। मुरली अभी वायलिन लेके आता होगा। ये मुरली कहाँ रह गया? ये मुरली वायलिन कौन डोड़ा? मुरली बात है बेटी, अपना अम्मा को तो बता। नहीं बेटी, ये क्या कर रही है तू? ये नहीं हो सकता। दीदी ने भेजा है। मुरली, ए मुरली, thank you।
जापान की कंपनी तोशिका हारा का एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो जाने की वजह से हमारी 25 साल पुरानी कंपनी मेहता एंड मेहता इंडस्ट्रीज की यह हालत है। हमारी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर शंभुनाथ मेहता हमें इस बात की इजाजत दे चुके हैं कि हमें इसे बंद कर देना चाहिए और इसकी जमीन को बेचकर जो 20 करोड़ रुपए मिले उससे इस कंपनी के सारे उधार उतार दे। कोर्ट की फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बाकी है कि मिस्टर राहुल मेहता इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करके अपनी रजामंदी करें। दैट्स ऑल जेंटलमैन। अरे बैठिए बैठिए। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है यार, ये बोलते बहुत अच्छा है। हाँ हाँ एक मिनट, यार क्या स्पीच लिखी है यार। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मिस्टर माथुर जिंदाबाद। माथुर साहब ये क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं, एक पागल वर्कर है हमारी फैक्ट्री का, दत्ता भाव, 9 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। ये तो मर जाएगा। छोड़िए राहुल साहब, ये हंगर स्ट्राइक है, पुलिस आएगी, चार डंडे मारेगी, ये सब सही हो जाएंगे। आप आइए। 9 दिन से वो आदमी भूखा पड़ा है, ऊपर से पुलिस आके उसको डंडे मारेगी, शर्म आती कि नहीं आपको? आप इस कंपनी के वाइस चेयरमैन है या कोई कसाई? लाना थे तुम जैसे लोगों पर। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे ओ भाई लोग, अरे जरा वॉल्यूम कम करेगा अपना। अरे बात तो सुन मेरी, ए, ताला खोल। मैं क्या कर सकता हूँ साहब? ताला खोल, ये पकड़। दावा बार में जाइए साहब, दावा बहुत खतरनाक लोग हैं साहब, दावा बार में जाइए। एक मिनट। मेरा नाम राहुल मेहता है, दत्ता भाव कौन है? आइए मैं बताता हूँ। राहुल समथिंग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेंजरस सिचुएशन है ये। दत्ता भाव, राहुल मेहता साहब आए। अच्छा अच्छा राहुल, शंभुनाथ जी के नाती, कैसे हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ दत्ता भाव, लेकिन लेकिन ये सब क्या है? 9 दिन से आपने कुछ खाया नहीं और इस तरह तो आप मर जाएंगे। कोई बात नहीं, चाहे तब हमारी सुनवाई हो। कंपनी का दिवाला निकल गया है और कब तक ये लोग नुकसान सहेंगे? नुकसान कभी नहीं हुआ बेटा। हाँ, माथुर साहब और उनकी टीम ने हमेशा फायदा उठाया और तुम्हारे नाना जी को हमेशा अंधेरे में रखा, हमेशा अंधेरे में रखा। सब मिलकर कंपनी को लूटते रहे और आज चूसी हुई हड्डी की तरह कूड़े में फेंक रहे। पिछले 6 महीने से 2000 मजदूर बेकार बैठे हैं, 2000, और भूखे मर रहे हैं। ये लोग इस जगह को बेच रहे हैं 20 करोड़ रुपए में। 20 करोड़? इस जगह की कीमत कम से कम 100 करोड़ होगी, 100 करोड़। कोई सौदे में भी घपला करेंगे, वरना बेचने की जरूरत ही क्या है इसको। दत्ता भाव, क्या ये कंपनी फिर अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है, बशर्ते के मैनेजमेंट ईमानदार हो। तो फिर आज ये फैसला हो ही जाए, चलो मेरे साथ। माथुर ताला खुलवाइए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुनना नहीं चाहते, ये कंपनी दोबारा खुलेगी। इम्पॉसिबल, हम फैसला कर चुके हैं, हमने डॉक्यूमेंट साइन कर लिए। उस पर मेरी साइन नहीं है, ताला खुलवाइए। आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऐसी की तैसी, हथौड़ा लाओ। व्हाट मिस्टर मेहता, आप क्या कर रहे हैं? आई एम वार्निंग यू, यू डोंट नो क्या होने वाला है। देखिए देखिए, आप गलत कर रहे हैं। देखिए मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता, मैं फिर से आपको वार्निंग दे रहा हूँ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
देखभाल हूँ। मशीनरी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर हम ये दीवार यहाँ से हटा दें उसके लिए जगह अपने आप बन जाएगी, हो गया ना? इट्स सच अ सिंपल थिंग। संभाल के लग जाएगा, कोई दीवार नहीं होगी और कोई पार्टीशन नहीं होगा, बस गिरा दो सब। माचिस माचिस। वाह वाह वाह। अगर आप लोगों ने गरीबों के बारे में सोचा होता तो ये कंपनी शायद तरक्की भी कर जाती। के बाद यहां ना कोई मालिक होगा ना कोई नौकर, इस कंपनी के मुनाफे में हम सब बराबर के हिस्सेदार होंगे। दिल मिले तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले, तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले, तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले। कहीं पे जाम है कहीं प्यास है, यही है यार जिंदगी के सिलसिले, तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले, तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले। कहीं पे जाम है कहीं प्यास है, यही है यार जिंदगी के सिलसिले। देखा ये जहां मैंने तेरी नजर से देखा ये जहां, तूने मेरी नजर से देखा ये जहां, तूने मेरी नजर से देखा ये जहां, मैं भी खुश हो गया तू भी खुश हो गया, हो गए दूर हम दोनों के सब गिले, तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले, हाँ तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले। कहीं पे जाम है कहीं प्यास है, यही है यार जिंदगी के सिलसिले। Thank you.
आप हैं, हम जिसे ढूंढते हैं वो हम आप हैं, अपने दिल की खुशी अपना हम आप हैं, हम जिसे ढूंढते हैं वो हम आप हैं। किसका दर दूर है, किसका दर पास है, मंजिले रास्ते और ये फासले, तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले, तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले। कहीं पे जाम है, कहीं प्यास है, यही है यार जिंदगी के सिलसिले। तू जानता है जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, जिसे मेरी शादी होने वाली है, वो कौन है? पारो। तुझे कैसे मालूम? अबे मुझे क्या चू, पागल समझ रखा है? अबे तेरी शक्ल पे लिखा है। साले। अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सो जा। अन्ना ने तो इतना गंदा रखा है कमरा, राहुल क्या सोचेगा? मुरली ठीक से पकड़ो, अरे ठीक से पकड़ो। अरे 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 मारो, गिर। हाथ लगाने की hey, आप उनकी बस्ती की लड़की को छेड़ता है, आप ही दिखाता हूं। अगर राहुल को किसने छुआ भी, हाथ पैर तोड़ डालूंगा। एक एक करो, तुझे नहीं आज सब मालूम है। तुम बीच में मत बोलो बालू। क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ शास्त्री, अपने आप को बड़ा धर्म वाला समझते हो और अपने घर में कुकर्म करवाते हो। उमाशंकर गुरुजी, मुझे आदिबस्ती वाला ने बताया कि ये क्रिश्चियन है और मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को गले मिलते हुए देखा है। इसको कई टाइम देखा है क्रिश्चियनों के कब्रिस्तान में जाते हुए, इसके माँ बाप का समाधि है वहाँ। तो मुझसे झूठ बोला? झूठ इसने नहीं, मैंने बोला था, और जनेऊ भी से मैंने ही पहनाया ताकि मेरे घर में रह सके। तुमने क्रिश्चियन होकर ब्राह्मण होने का ढोंग किया, अपने बदन पर जनेऊ लपेटकर हम लोगों को मूर्ख बनाया। इसको इतना मारो कि चुप, एक भी आगे बढ़ा ना, मां कसम मार डालूंगा एक-एक को। भालो, इसे सब कुछ छोटी नौकरी थी और तुम इसके गुलाम बन गए। तुम्हारा बहन के बारे में कुछ सोचा नहीं तू? भाई के हक सही बोल रहा हूं मैं, और किसी ना किसी से तो इसकी शादी होनी है, तो इसमें क्या खराबी है? राहुल क्यों खराब है? क्रिश्चियन हुआ तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे जात पात के चक्कर में रहता ना मैं, तो भूखा मर रहा होता, और तूने दिया ही क्या मेरे को? शास्त्री नहीं बालू, प्लीज बंद करो ये सब बंद कर दो। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं ना, आप मुझे मारना चाहते हैं तो मारिए, प्लीज मारिए। अरे रुक क्यों गए, मारिए ना। हाँ ये सच है कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन ये भी सच है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अगर आप अब भी मुझे मारना चाहते हैं तो मारिए, जरूर मारिए, लेकिन एक बार पारो के मुंह से सच सुन लीजिए कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। अगर ये मेरा गुनाह है तो मारिए, मुझे जान से मार डालिए प्लीज। पारो बोलो, इनको बता दो कि सच क्या है, प्लीज बताओ इन्हें, प्लीज बोलो पारो, बोल दो इन्हें। हाँ मैं राहुल से प्यार करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ।
प्यार से भी बहुत प्यार करती हूँ। अगर ये शादी होगी तो उनकी मर्जी से। ब्राह्मण समाज के प्रधान हैं। आपके इस निर्णय से ब्राह्मण समाज की बुनियाद हिल सकती है। बुनियाद? कौन सी बुनियाद? यह मेरा घर की बुनियाद तोड़कर बिखर गई। अब आप समाज की बुनियाद के बारे में बात करते हैं? मेरा भाई, मैं उसे घर से बाहर निकाल दी। वो टैक्सी चलाता है, इंजीनियर बन सकता था। पंडित जी, मैं अपने बच्चे लोगों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। यदि आप चाहते हैं तो यह विवाह हो सकता है, लेकिन लड़के के शुद्धिकरण संस्कार के बाद। उससे पूछिए क्या उसे यह स्वीकार है। हाँ करेगा, करेगा, सब करेगा। तुम बीच में मत बोलो, खुल के बैठा रहना। राहुल, सुना तुमने? जी हाँ सुना, मुझे स्वीकार है। शुद्धिकरण संस्कार की प्रक्रिया बहुत कठोर और लंबी होगी। मुझे सब कुछ स्वीकार है। विवाह की निश्चित तिथि से एक सप्ताह पहले तांबूलम होगा। तांबूलम के बाद विवाह का निर्णय बदला नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त इस अवधि में लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। स्वीकार है? जी हाँ स्वीकार है। तो ठीक है, ईश्वर के आशीर्वाद से और ग्रह नक्षत्रों के शुभ योग से मैं अगले महीने की 10 तारीख विवाह के लिए निश्चित करता हूँ। वो लाइव बन गई। अरे, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे खुश होने की तो बात है डार्लिंग, एक तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो और दूसरी बात आज मेरी बहन की शादी तय हो गई है। बहन? और वो भी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ। अरे पर तुमने तो कहा था ना ही कोई तुम्हारी बहन है ना कोई तुम्हारा भाई, तुम बिल्कुल अकेले हो,
तो ये अचानक बहन कहाँ से आ गई बीच में? अकेला ही हूँ, लेकिन बहन मानता हूँ उसे, बहन मानता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है वाह, अरे सही है। ए, ये क्या कर रहे हो, सही ढंग से बैठो। पता है कौन बैठता है यहाँ के? टैक्सी ड्राइवर्स। टैक्सी ड्राइवर और मैं? तू? आ, लेकिन तेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी बाप। क्या इसी बात पे पान हो जाए? पान? अरे खा के तो देखो। अरे बालू है? बालू, हेलो मिस्टर जगत चौरसिया, कैसे हो? अरे ये फिर देख रहे हो आके फाड़ फाड़ के? अरे आके टपक पड़ेगी पान में। इधर देखो, हाय हाय हाय, कितनी ब्यूटीफुल है ना। अरे जानत है कौन है? अरे तोहार बहू रानी, योर डॉटर इन लॉ। कहो कैसी रही? अरे बहुत अच्छी कही भैया, बहुत अच्छी कही। एक चक्कर में सूट बूट और टाई, और दूसरे चक्कर में दुल्हन और गाड़ी, और तीसरे चक्कर में लल्लो सवाई काल के परसों मोर भैया चक्कर किए। अब ये तो इन पे डिपेंड करता है ना, क्या ख्याल है डार्लिंग? किस बारे में? अरे वही जो ये कह रहे हैं। अरे बात को समझा करो। अरे कहाँ जा रही हो? Help with you. अरे बात तो सुनो पूजा। एक भवन you
डिवोटेड आशिक हूँ बट यू माई लव क्या जाने, लंदन से अमरीका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तू माने या ना माने, ओ डी डी डियर कम नी नी नियर, नो पी 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 यर यू आओ हे तू अंग्रेजी बाबू, ऐसा क्या लड़की आंख मारे, आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, दिल धड़काए पटाए, दिल धड़काए बीच सड़क में नखरे दिखाए सारे ओ करके इशारे, ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे ओ लड़का आंख मारे, आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, may I speak to Mr. Shambhunath Mehta, please? This is Mrs. Patel speaking, Mr. Mehta's secretary. Can I help you, please? Mrs. Patel, Rahul bol raha hu Bombay se. Kaisi hain aap? Nana ji kaise hain? Oh, Rahul, sab theek hai. When are you coming back? Oho, Mrs. Patel, main shaadi karne ja raha hu agle hafte 10 tarikh ko. Char baar phone kar chuka hu. Nana ji ko kisi ne bataya kyun nahi? Aap please Nana ji ko bata dijiyega. It's very urgent. Okay? And you take care. Bye. See you. राहुल इतना पढ़ा लिखा लड़का है, टैक्सी क्यों चलाता है? दबा रहे, एक अच्छा नौकरी के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है, कल इंटरव्यू है, उसको जाने को बोलो और मैं मंडप वाले को मिलके आता हूँ, नान छोड़ो ये ना पूरी होता हूँ उनके। अरे अरे अरे, उसके सामने मत जाना, अशुभ होता है, नहीं जाऊंगी। वणक्कम, कैसी हो? माँ और अप्पा कैसे हैं? अंदर नहीं आओगी? सामने नहीं आओगी? मुझसे मिलने का मन नहीं करता? मेरी याद आती है? कितनी? बस बस, अब बताओ कैसे आना हो? बाबूजी, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। कहां ले आए राम सिंह? मारो, द पर्सन के बनाने क्यों है मां? ये मदद नहीं कर सकते तो बाहर फेंक दो। राम सिंह, इतनी गंदी बस्ती में तुमने रहने कैसे दिया राहुल को? सब तरफ बदबू आ रही है। मीरचंदानी, कौन सा मकान सर? है? पूछता हूँ सर, भाई साहब ये पीवी के शास्त्री का मकान कौन सा है? वो अपने टपुरी बालू का बाप क्या? हाँ। पहले राइट फिर लेफ्ट, पहला घर है जाओ। पहले राइट फिर लेफ्ट, आइए सर। राइट लेफ्ट, कैसी गंदी जगह ले आए हो तुम लोग। हाँ,
शास्त्री जी क्या मुहूर्त है, क्या मुहूर्त है। अरे मैं तो कह रहा हूँ 10 तारीख जैसा दूसरा मुहूर्त होगा ही नहीं। लग्न के स्थान में चंद्र बराबर मध्य में है। अगर शास्त्री जी इस मुहूर्त में दोनों की शादी हो गई ना तो दोनों का विवाहित जीवन सुखमय होगा। आप में से शास्त्री, टीवी के शास्त्री कौन है? मैं हूं। क्या बात है? आप मिस्टर शंभुनाथ मेहता हैं, लंदन के बहुत बड़े बिजनेसमैन। तो भाई क्या करो? राहुल मेरा नाती है। क्या आप राहुल का नाना जी? राहुल कहाँ है? शादी के बाद मेरी खोली में रहा ना, किराया लूंगा तेरे से। चले वो तो यार, बारात घर पहुंच गई। राहुल भैया आपके नाना लंदन से आए हुए हैं। कहाँ है? बालू के घर पे। चल बालू चल। क्षमा कीजिए मुझे मालूम नहीं था आप राहुल का नाना जी है, बैठिए ना। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। राहुल अभी आता ही होगा, परसों उसकी शादी है मेरी बेटी के साथ। नाना जी आप क्यों, मुझे देखकर तकलीफ हुई तुम्हें? नाना जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे मालूम था कि आप जरूर आएंगे। मैं यहाँ शादी में शरीक होने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें लंदन वापस ले जाने के लिए। इतनी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ये मंडप ये पंडाल ये सब। ठीक है अरविंद, शास्त्री जी का जितना भी नुकसान हुआ हो इन्हें दे दो। यस सर। मुझे मालूम था तुम यही करोगे राहुल, आखिर होना उसी बाप की औलाद जो इसी गंदगी में पैदा हुआ था। नाना जी भगवान के लिए आप मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत कहिए। तुम्हारी माँ मेरी बेटी भी थी, यहाँ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मिस्टर शास्त्री ये हरजाना उस परेशानी के लिए जो तुम्हें हुई, रख लो। नाना जी आपको किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है, माफी मांगिए इनसे। तुम इस वक्त होश में नहीं हो राहुल, जितनी बदनामी तुम्हारी वजह से मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी वो 7 जन्मों के लिए काफी है। राम सिंह इससे कह दो कल सुबह की फ्लाइट से हम सब वापस जा रहे हैं। रामू काका, मेरे साथ बहुत धोखा किया है तुमने राम सिंह, बहुत फरेब किया है। मेरे पुराने वफादार होकर भी तुमने मुझे अंधेरे में रखा। राहुल के अलावा तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिला था उस गंदी बस्ती में भेजने के लिए। तुम अपनी औकात भूल गए थे और इस बेगैरत ने यह साबित कर दिया कि वो उसी बाप का बेटा है जिसकी जिंदगी एक गंदी झोंपड़ी से शुरू हुई और वहीं खत्म हो गई। बहुत हो चुका शंभुनाथ जी, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन अपने राहुल के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम उसके बाप नहीं हो राम सिंह। पता है मुझे, मैं उसका बाप नहीं लेकिन 19 साल गोद में खिलाया है उसे। उसके लिए थैंक, लेकिन तुमने कोई एहसान नहीं किया है। हर महीने तुम्हें इसकी तनख्वाह दी जाती थी। वाह वाह शंभुनाथ वाह। व्हाट शंभुनाथ, वर्षों की वफादारी को आखिर तुमने दौलत के तराजू में तौल ही दिया। ड्राइवर गाड़ी रोको। शंभुनाथ बेटी को तो ठुकरा दिया, बेटे को मत खो देना वरना बिल्कुल अकेले रह जाओगे। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। चुपचाप हमारे साथ चलो नहीं तो गोली मार दूंगा। चलो शंभुनाथ
माथुर, ये सब क्या है? मेहता साहब, कभी कभी करना पड़ता है, ये सब क्या करें? अगर हम आपसे प्यार से कहते कि बंबई की अपनी सारी फैक्ट्रीज हमारे नाम लिखते तो क्या आप लिखते थे? नहीं ना, इसलिए उठवा लिया आपको। माथुर, तुम हमेशा से बेवकूफ रहे हो, तुम्हारे छोटे से दिमाग में इतनी चर्बी चढ़ गई है, तुम फिर ललती कर रहे हो। मेहता साहब, ये गुस्ताखी माथुर ने नहीं, मैंने की, और मैं बेवकूफ आदमी नहीं। काटे, काटे नाम है मेरा। अब आप चुपचाप साइन कर दीजिए। वैसे भी बच्चों और बूढ़ों से ज्यादा लगाव नहीं है मुझे। कर देता, लेकिन कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तान आने से पहले मैंने अपने बिजनेस, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट सब राहुल के नाम कर दिए हैं। मैंने कहा ना कि मैं बेवकूफ आदमी नहीं हूँ, इसका भी इंतजाम कर लिया है। राहुल को लाओ। हेलो, हाँ देखिए, मैं राहुल बोल रहा हूँ, राहुल मेहता, उनका नाती। हाँ, वो जैसे ही आए उन्हें कहिएगा मुझे प्लीज फोन कर लें। हाँ, थैंक यू सो मच। चलो बेटा, हम खाना खा लेते हैं, बालू तो नहीं आएगा। लगता है बालू आ गया। राहुल, राहुल, रामू काका। राहुल बेटे, नाना जी को किडनैप कर लिया। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ बेटे। यस माथुर, ये काम उसी का हो सकता है। हाँ, आप चलिए मेरे साथ। चलो। मिस्टर माथुर है? नहीं नहीं भैया, तो नहीं है। आराम से, कौन मेरे नाना जी का है? अरे बेटा, राहुल मर जाएगा। राहुल बेटे, इससे पूछ तो लो नाना जी कहाँ है। अरे इसकी शक्ल पे लिखा है कि ये काम इसी का है। मुंह खोल रामजादे, बोल कहाँ नाना जी, बोल। मैंने कहा ना कि ये राहुल नहीं है। बचपन से लेके आज तक आपने कभी मुझे अपना कहा है? कभी नहीं। पैसे कमाने की हवस ने आपको इतना पागल कर दिया कि कब आपके अपने आप से दूर हुए आपको पता ही नहीं चला। नहीं चाहिए मुझे आपकी दौलत, आपका दिया हुआ ऐश आराम, नहीं चाहिए मुझे। ओ यू शट अप, देखिए देखिए, मौत के इतना करीब आने के बावजूद भी आप नहीं समझ रहे हैं। अरे अपने राहुल को धुतकार रहे हैं। अरे मेरे साइन करने ना करने से फर्क क्या पड़ता है, हैं? मैं तो लावारिस था, लावारिस हूं और लावारिस रहूंगा। ए, अपनी फैमिली का झगड़ा बाहर जाके निपटाना, समझा? चुपचाप साइन कर। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ से यह लिख दिया था। कहां गया? किसकी साइन चाहिए थी? ओ मेरी, खाली मिनट टाइम वेस्ट गया, पागल है। चलिए नाना जी। हेलो हेलो बालू, नाना जी को माथुर और कांटे के आदमी ने किडनैप कर लिया है। तुम कहाँ हो इस वक्त? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बालू। बालू बोलते क्यों नहीं? आठ ऐसे चालाकी की तूने, बांध दो सालों वो। किसने तुझसे कहा था अपना दिमाग लड़ाने के लिए? नाना जी, हम तो निकल ही गए थे। बालू नाम है तेरा? हाँ, राहुल का दोस्त है तू। अब फोन कर और बुलाओ उसे यहाँ। ये दोस्त है अपन राहुल का, जान दे देगा लेकिन बुलाएगा नहीं उसको। हट। ए चुन्नी छाप, तेरी जिंदगी का भाव तो गिर चुका है, जल्दी से राहुल को फोन कर वरना तेरे इस नाना की जिंदगी कम कर दूंगा। ए कांटे, तू बड़ा बेवकूफ। अरे जिस नाना ने अपने नाती की जिंदगी नरक बना दी हो, जिसने अपने खून को कभी प्यार से देखा नहीं, वो राहुल क्या गधा है जो अपनी जान जोखिम में डाल के इस पत्थर दिल को बचाने आएगा? अरे नहीं आने वाला वो, मैं बोलता हूँ नहीं आने वाला। तू एक काम कर, तू अपने छोटे से दिमाग पे थोड़ा जोर डाल और एक नया प्लान बना, उसके बाद मेरे को फोन कर, अपन बात करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ। क्या नौटंकी बंद कर वरना तेरे इस नाना की जिंदगी खत्म कर दूंगा मैं। फोन कर राहुल को, जल्दी से फोन लगा वरना अगली गोली तेरे इस नाना के फेजे से बाहर होगी। राहुल, राहुल तो कहाँ है? Thank you.
राहुल राहुल इसको छोड़ दे यार, ये मेरा फादर इन लॉ है। राहुल नाना जी, मुझे माफ कर दीजिए नाना जी, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। उस पल मुझे लगा कि मैंने हमेशा के लिए तुझे खो दिया है बेटा। नहीं नाना जी, चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलूं। नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे तो पहले अपने नाते की बारात में जाना है। नाना जी पहले अस्पताल चलिए। कह दिया ना मुझे अस्पताल नहीं जाना है। आप बहुत जिद्दी हैं। सच कहता है, बिल्कुल तेरी तरह। बालू इधर आ। बालू जी। नाना जी, इससे कह दे कि अब लंगड़े की लाठी यही है, जहां चाहे ले चले। चल चलो। शास्त्री जी, अब बालू की भी जल्दी शादी कर दीजिए। इसे कौन शादी करेगा मिस्टर मेहता? ये क्या है? शादी? शादी? कहते हैं सितारों की हरकतों से इंसान की जिंदगी बनती बिगड़ती है। यहां ऊपर किसी सितारे ने जिस दिन राइट टर्न लिया तो नीचे धरती पर तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले। 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 कहीं पे जाम है कहीं प्यास है, यही है यार जिंदगी के सिलसिले। अपने
की खुशी अपना हम आप हैं, हम जिसे ढूंढते हैं वो हम आप हैं। किसका डर दूर है, किसका डर पास है, मंजिले रास्ते और ये फासले। तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले, तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले। कहीं पे जाम है, कहीं प्यास है।